अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 17, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, इस पे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला सवाल है, आपको करेक्ट आंसर लिखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। इसमें कौन सा ऐसा है जो सोलर सिस्टम का मेंबर ही नहीं है? उत्तर है कॉन्स्टलेशन, एस्ट्रॉइड और आपके सैटेलाइट, कॉमेट, ये सारे सोलर सिस्टम के मेंबर है। चूज द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। सन का प्लैनेट इसमें से कौन नहीं है? मर्करी, सैटर्न, अर्थ का नाम सुना होगा आपने, सीरियस नहीं है, ये नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें चूज करना है, फेजेस ऑफ द मून ऑकर, जो अलग अलग फेजेस होते हैं मून के, वो क्यों होते हैं, उसका उत्तर क्या है? तो देखिए, ए बी सी ये हो गया आपका और ये डी ये हो गया, इसको सब ध्यान से देखिएगा, क्या है इसका उत्तर? उत्तर हम ए करेंगे, वी कैन ओनली सी पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस। हम चंद्रमा का केवल वही पार्ट देख पाते हैं जहां से लाइट टकरा के आती है। फिर इन द ब्लैंक्स करेंगे, द प्लैनेट विच इज फार्देस्ट फ्रॉम द सन इज नेपट्यून, इसके लिए नेपट्यून होगा। द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर, इसको हम मार्स कहते हैं। द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज अ, जो स्टार्स एक मिलके एक पैटर्न की तरह बनते हैं, मतलब उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज, इसे हम सैटेलाइट कहते हैं, जैसे कि हमारे अर्थ के आसपास मून है। शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट, जो शूटिंग स्टार्स होते हैं इनको शूटिंग स्टार्स तो कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में स्टार्स नहीं होते हैं। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश, एस्टेरॉइड जो है ये किनके ऑर्बिट्स के बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में है, मार्स और जुपिटर। आपको ट्रू और फॉल्स करना है। पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, बिल्कुल सत्य है ये। यूरेनस इज द फार्देस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है। इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, राइट, इंडियन सैटेलाइट इनसेट, तो ये ट्रू है बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, अभी की बात करें, अगर कोई ऐसी रिसर्च ना हुई हो तो देखेंगे कि हम 9 प्लैनेट नहीं है हमारे पास, ये बिल्कुल गलत हम इसका कहेंगे। कॉन्स्टलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विथ अ टेलीस्कोप, बिल्कुल फॉल्स है ये। आपको ए और बी को मैच करना है, ए ये है, बी ये है, यहां पर आपके पास और ऑप्शंस है, तो ए और बी को मैच कराएंगे। इनर प्लैनेट्स, कौन कौन से इनर प्लैनेट्स हैं? आपका ये अर्थ है और मार्स है, इनर प्लैनेट्स है। आउटर प्लैनेट की बात करें तो ये सैटर्न है। कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन कौन कौन से है? एक तो ग्रेट बियर है, ओरियन है। सैटेलाइट कौन से है अर्थ के? मून, मून है सैटेलाइट अर्थ का। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार, जो आपके ऊपर स्काई है उस पर वीनस किस जगह पे दिखाई देगा यदि वो विजिबल है इवनिंग स्टार की तरह, तो किस समय दिखाई देगा? पहली चीज तो ये है कि एक तो सनसेट के बाद ही दिखाई देगा ये, इसको हम इसलिए इवनिंग स्टार कहते हैं, शाम का स्टार कहते हैं इसको। ये आपको वेस्टर्न होराइजन में दिखाई देगा, वेस्टर्न होराइजन में दिखाई देगा। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये इतना बड़ा है कि हमारा अर्थ लीजिए और उसको 1300 बार गुना करिए, इतना बड़ा है ये। और जो मास है जुपिटर का वो 318 गुना है अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? आपको दो कॉन्स्टलेशन बताने हैं। जो स्टार्स, मान लीजिए मैंने इस तरीके से एक शेप बनाया, ये एक शेप हो गया, इस तरीके से एक शेप हुआ, ये कुछ शेप है जो रिकॉग्नाइजेबल शेप है। इसी तरीके से क्या है कि कुछ कुछ
स्पेसिफिक पैटर्न में कुछ स्टार्स आपस में जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, जुड़े तो नहीं कहूंगा मैं, इस तरीके से है कि वो जुड़ाव दिखता है। तो जो स्टार है वो एक ग्रुप बनाते हैं और बड़ा एक रिकॉग्नाइजेबल शेप है, आप बता सकते हैं कि ये है, ये जो है ये है, उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जैसे ग्रेट बियर है, ओरियन है, और भी है आपका लियो मेजर है, कैसियोपिया है। स्केचेस आपको बनाने हैं जो आप बता दें रिलेटिव पोजीशन प्रोमिनेंट स्टार की, जैसे उर्सा मेजर और ओरियन। तो उर्सा मेजर आपका इस तरीके से बनता है, चम्मच की तरफ नेगा देखिए, यूं करके एक चम्मच की तरह बन रहा है, और ये आपका ओरियन है। ओरियन एक बंदा जो है वो धनुष लिए खड़ा है, इस तरीके से बना सकते हैं। और भी शेप कहीं से भी देखिए, अलग अलग शेप में दिखाई देगा, लेकिन इसके एक प्रॉपर पैटर्न है। पूरे पूरे जो हमारा स्काई है उसको अगर हम देखेंगे तो हमको ये अलग से दिखाई देता है, इसीलिए ये आपके स्पेशल शेप्स हैं। दो ऑब्जेक्ट प्लैनेट के अलावा बताइए जो मेंबर है सोलर सिस्टम के, इसमें कॉमेट्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं और मीटियोर्स आते हैं। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे लोकेट करेंगे पोलर पोल स्टार, उर्सा मेजर को लेके पोल स्टार कैसे आप लोकेट करेंगे। तो देखिए आपके पास ये उर्सा मेजर है, ठीक। अब आपके पास ए और बी, ये दो आपके पास स्टार है जो उर्सा मेजर के एंड में, जैसे मैंने कहा था चम्मच जैसा इसका शक्ल बनती है, तो ये जो चम्मच जैसी शक्ल बनी इसमें, ये जो दो है इस यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, इन दोनों से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस इमेजिनरी लाइन को नॉर्थ डायरेक्शन में आप भेज दीजिए, और करीबन 5 गुना डिस्टेंस जो इसके बीच में डिस्टेंस है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रही है, उतना आगे बढ़ जाइए, ये जो है ऐसे स्टार पे ले जाएगी जो इतना ब्राइट तो नहीं है, लेकिन आपको पोल स्टार इसको हम उसके संज्ञा देते हैं। क्या सारे स्टार स्काई में मूव करते हैं, ये इनमें मोशन होता है, या आपस में पोजीशन चेंज करते हैं? जितने भी स्टार्स हैं स्काई में, ये मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। कैसे? ईस्ट टू वेस्ट। जैसे आप अर्थ की ही बात ले लीजिए, ये अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है, और अगर एक्सिस और ये पोल स्टार को देखिए तो इसके अराउंड मूव करता है। ये जो पोल स्टार है ये सिचुएटेड कहाँ पर है? ये अर्थ के एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इसीलिए आपको ये दिखेगा कि ये मूव नहीं कर रहा है। व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स? जो अलग अलग स्टार्स के बीच में जो दूरी है उसको लाइट ईयर्स में क्यों बोलते हैं? अगर ये स्टेटमेंट कहा जाए कि दैट अ स्टार इज 8 light years अवे फ्रॉम अर्थ, हमारे पृथ्वी से 8 light years कुछ कोई दूरी पे है, तो इसका क्या मतलब होगा? स्टार जो है मिलियंस किलोमीटर, मतलब किलोमीटर्स भी, और वो भी मिलियंस ऑफ किलोमीटर पे है अगर अर्थ से देखा जाए तो। ये बहुत बड़े डिस्टेंसेस हैं, इतने बड़े डिस्टेंसेस हैं कि इनको हम लाइट ईयर्स कहते हैं। लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि एक डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करेगी एक साल में। आप सोचिए लाइट की क्या स्पीड होती है और एक साल में वो कितनी दूर पहुंच जाएगी। एक लाइट ईयर इसके बराबर होता है 9.46 × 10^12 किलोमीटर। अगर हम कहते हैं कि एक स्टार 8 light years है, तो 8 × 9.46 × 10^12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो समय लगेगा लाइट को ट्रैवल करने में 8 साल, वो कंटिन्यूस ट्रैवल करती रहेगी, तो जितनी वो दूरी, इतनी दूरी ये तय करेगी, इतने डिस्टेंस पे है। रेडियस जुपिटर का है वो 11 गुना है रेडियस अर्थ के। आपको इनके वॉल्यूम का रेशियो जुपिटर अर्थ का पता करना है, और कितने अर्थ जुपिटर अकोमोडेट कर लेगा ये बताना है। देखिएगा कि हम अर्थ को हम आर बोलते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली एक सवाल में दिया हुआ है कि अर्थ का रेडियस आर है, तो जुपिटर का रेडियस है 11। हम मानते हैं कि जो वॉल्यूम है जुपिटर का, हम जानते हैं क्योंकि ये स्फीयर होते हैं, तो इनका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। एक में हम कैपिटल आर रखेंगे, एक में हम 11 आर रखेंगे, एक में आर रखेंगे, एक में कैपिटल आर रखेंगे, 11 आर और आर। तो यहाँ पर 4/3 πr³, ये आपका वॉल्यूम ऑफ जुपिटर हो गया, ये नीचे आप वॉल्यूम ऑफ अर्थ रखेंगे, 4/3 πr³।
इनको डिवाइड करेंगे 4/3 वगैरह तो सब कट जाएंगे, पाई भी कट जाएगा, केवल 11³/1 बचेगा, 11³ होता है 1331 तो ये जो रेशियो है 1331 के करीब आएगा (1:1), यानी कि एक जुपिटर 1331 अर्थ को संभालेगा। भोजो साहब ने एक ये स्केच बनाया सुरस्कोला सिस्टम का, क्या ये सही है? अगर नहीं तो बताइए इसको। देखिए इन्होंने बहुत हद तक तो सही बनाया, लेकिन अगर हम मार्स की बात करें और वीनस की बात करें, मार्स और वीनस की यहां बात करें, तो ये मार्स इन्होंने बनाया, ये वीनस बनाया, और यहां पर आप इन्होंने नेपच्यून भी बनाया। तो इनकी पोजीशन मार्स और वीनस, मार्स को इधर कर दीजिए, वीनस को इधर कर दीजिए, यूरेनस यूरेनस को इधर कर दीजिए और नेपच्यून को इधर कर दीजिए, ये दोनों चेंज करेंगे तभी करेक्ट पोजीशन आएगी। जो सही पोजीशन वो ये है कि सन से शुरुआत करिए, फिर उसके बाद आइए आपके मरकरी पे, फिर विनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर सैटर्न के बाद आपका आएगा यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो ये सवाल जवाब हुए आपके सोलर सिस्टम के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। Yeah, I'm okay.